स्वागत है आप सभी का एक नई टाइपिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लेकर क्या है एक बहुत ही अमेजिंग फ्रीलांसिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब, जो कि इस वीडियो को जो कोई देख रहा है आप सभी कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आपको कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होने वाला है, आप अपने ओन लैंग्वेज में वर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है अपने कॉलेज के बाद पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, इसी के साथ अगर आप एक हाउस वाइफ है तो आप सभी यहाँ पर जो कि वर्क कर सकते हैं इस फ्रीलांसिंग वर्क में। दोस्तों आज की इस वीडियो की स्पेशल बात यह है कि इस वीडियो मैंने आपको स्टार्ट टू एंड, विच मींस कि यहां पर आपको काम कैसे करना है, ये सारे स्टेप्स आपको लाइव इस वीडियो में करके दिखाया है, जिससे कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट होंगे और आपको इस टाइपिंग वर्क से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस काम को करना शुरू कर सकते हैं। सो मेक श्योर करें इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, डेली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें, क्योंकि ऐसी अपडेट्स हम आपके लिए डेली बेसिस में लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी टाइपिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है, यहां पर वर्क करने के लिए आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है। इसी के साथ अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी होगा तो आप इस काम को और भी इजीली कर सकते हैं, बट अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है सिंपल तो भी आप इस काम को करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर वर्क करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 प्लस ही होगी, बट यस अगर आपकी एज 18 प्लस नहीं है बट आपको इस काम से रिलेटेड इंटरेस्ट है, आप काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, वर्क करना शुरू कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको बता देती हूं कि एग्जैक्टली यहां पर आपका क्या काम रहने वाला है, क्या टाइपिंग वर्क यहां पर करना है। तो बेसिकली ये जो कि प्लेटफॉर्म है जहां पर आज आप वर्क करने वाले हैं उसका नाम है पॉकेट एफएम। अब आई होप कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूं, ये एक रेडियो स्टेशन टाइप आप कह सकते हैं जहां पर काफी सारे जो कि ना स्टोरीज वगैरह होते हैं, इनके 100 मिलियन प्लस जो कि है लिसनर्स है, तो यहां पर ना ऐसे बहुत सारी स्टोरीज होते हैं जिसको ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एंड लोगों द्वारा इसको सुना जाता है, उसको रिव्यूज देते हैं। इसी के साथ इस स्टोरीज में काफी सारे सीरीज भी होते हैं, तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि आपको स्टोरीज लिखना होता है, इस स्टोरी को ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको पब्लिश किया जाता है, पब्लिश होने के बाद जो लिसनर्स हैं उनमें से उनके पास जो कि ये स्टोरीज पहुंचाई जाती है लिसनिंग के लिए, सुनते हैं वो चीज़, और जब वो सुनते हैं उनको काफ़ी अच्छा लगता है आपका स्टोरी तो वो आपको रिव्यूज़ देते हैं, रेटिंग्स देते हैं। बट यहाँ पर जो आपकी अर्निंग होने वाली है वो व्यूज़ पे होने वाली है, तो जितना भी व्यूज़ यहाँ पर आपको मिलेगा आपके स्टोरीज पे उतनी ही अच्छी यहाँ पर आपकी इनकम होगी। तो कुछ इस तरीके से आप जो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्ट टू एंड, विच मीन्स कि यहाँ पर रजिस्टर कैसे करना है, स्टोरीज लिखना कैसे है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया कि अगर आपको इस काम से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो इस वीडियो में ही मैं आपको सिखा देने वाली हूँ कि एग्जैक्टली इस काम को कैसे करना है। वेयर एज अगर आपको इस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है या फिर इंटरेस्ट है तो आप अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टोरीज लिख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर वर्क करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे कि यहाँ पर डेली एक स्टोरी आपको अपलोड करनी ही करनी होगी, मंथ में यहाँ पर 3 डेज आप जो कि है ब्रेक ले सकते हैं, बाकी डेज आपको रेगुलरली स्टोरीज अपलोड करनी है। इसी के साथ जो इसकी हायरिंग है ये 25 विच मीन्स कि 2025 तक हायरिंग करने वाले हैं दिसंबर तक, बट वंस इनकी जो कि है हायरिंग कंप्लीट हो जाती है विच मीन्स कि 2025 के पास जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। वेयर एज अभी जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं वो फॉलो करते हुए यहाँ पर कोई एग्जाम या इंटरव्यू इस तरीके से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपना स्टोरीज इनको जो कि शेयर कर सकते हैं जो भी यहाँ पर स्टेप है उसके हिसाब से। वंस आप अपना स्टोरी इनके पास शेयर कर देते हैं फिर उनको अच्छा लगता है आपका स्टोरी तो वो डायरेक्टली आपको रिवर्ट करते हैं और आपका स्टोरी जो कि पब्लिश कर देते हैं। फिर एज आई सेड कि यहाँ पर जितना नंबर ऑफ व्यूज आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अर्निंग होगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्राइटेरियाज मिल जाते हैं, जैसे कि आप डेली बेसिस में स्टोरीज अपलोड करते हैं तो आपकी जो नंबर ऑफ व्यूज है उसके साथ साथ काफ़ी अच्छी इंसेंटिव्स मिलती है, पर्क्स एंड बेनिफिट्स यहाँ पर आपको दी जाती है जिसको कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों आज इस प्लेटफॉर्म पे आप सिंपल टाइपिंग वर्क करने वाले हैं, उसका नाम है पॉकेट एफएम, राइट। सो यहाँ पर जैसे ही आप गूगल पे इसे सर्च करेंगे तो ये वाला जो कि प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है इस पर आपको क्लिक करना है writer@, और इसका डायरेक्ट लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है सो दैट आप इजीली इस प्लेटफॉर्म पे आ सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राइटर स्टोरीज एम्प्लीफाइड लॉन्च योर ऑडियो सीरीज टूडे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके बारे में आपको पूरे डिटेल्स पता लग जाएंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे स्टेप्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो आप किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए ताकि आप यहाँ पर सक्सेसफुली जो कि वर्क करना स्टार्ट कर सके।
अब यहाँ पर जैसे ही आप इसके फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो आप देख पाएंगे अबाउट राइटर्स बेनिफिट प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। द राइटर बेनिफिट प्रोग्राम इज आर एफर्ट टू फाइनेंशियली रिवॉर्ड राइटर्स फॉर राइटिंग ओरिजिनल लॉन्ग फॉर्म फिक्शंस ऑडियो सीरीज। ठीक है, अब विथ पॉकेट एफ एम टर्न योर पैशन इन टू अ करियर। सो यस, अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स आप यहाँ पर काफ़ी ईजिली वर्क कर पाएंगे। इसी के अलावा आप यहाँ पर रेवेन्यू एंड इंसेंटिव देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डेली अपनी एक ही स्टोरी अगर अपलोड करते हैं तो आपका यहाँ पर जो रेवेन्यू और इंसेंटिव होगा वो काफ़ी अच्छा जो कि आपको मिलने वाला है, वो भी डेली बेसिस में। इफ़ अगर आप डेली अपलोड करते हैं तो आप डेली ही अर्न कर सकते हैं। स्टार्ट योर ऑडियो सीरीज एंड टेल योर स्टोरीज टू 100 मिलियन प्लस लिसनर्स। तो इनके जो कि है ना 100 मिलियन प्लस लिसनर्स है अवेलेबल है जो कि यहाँ पर स्टोरी अपलोड की जाती है, उनको सुनते हैं एंड काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ भी देखते हैं। अब यहाँ पर स्पॉन्सर्ड बाय लिसनर्स आप देख सकते हैं, मिनिमम 20% लाइफ टाइम रेवेन्यू शेयर यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे द रेवेन्यू शेयर अमाउंट विल बी अवेलेबल इन योर इनकम टैब विद इन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। एवरी फर्स्ट डे नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे जो कि ये आपका अपडेट कर दिया जाएगा। अभी नीचे में आपको और भी इसके बारे में डिटेल्स देखने मिलेगा। अब इंसेंटिव्स की बात करें तो देखिए, अगर आप न्यू सीरीज बोनस यहाँ पर मिलता है आपको जो कि गारंटीड डॉलर मिनिमम $75 का होता है। डेली अपडेट अगर आप यहाँ पर देते हैं तो उसका बोनस यहाँ पर आपको मिलता है अप टू $375। और यहाँ पर कंप्लीशन बोनस यहाँ पर आप देखेंगे तो 1600 जो कि है डॉलर आपको मिलता है। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि कितने पैसे होता है तो यहाँ पर $1 इज इक्वल टू 80 to 85 rupees के बिटवीन होता है। तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने अच्छी इनकम जो कि है अर्न करने वाले हैं, ठीक है, INR रुपीज में। अब इसके बाद देखिए, डेडलाइन टू एंटर प्रोग्राम यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 31 December 2025 तक जो कि ये हायर करने वाले हैं, विच मीन्स कि 481 days रह गया है और 15 months रह गए हैं। सो जल्दी से आपको जो कि है इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना चाहिए क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाने वाला है। इसके लिए अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको यहाँ पर जो कि है रजिस्टर करना है, अपनी स्टोरीज कैसे पोस्ट करना है ताकि ईजिली आप जो कि है इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलर हो जाए और वर्क करना स्टार्ट कर दे। अगर ये जो कि है डेट निकल जाता है तो आप फिर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर यहाँ पर हायरिंग होती भी है इस फील्ड में तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो और भी डिफिकल्ट हो जाने वाला है। जितना सिंपल अभी है उतना सिंपल आपको नहीं मिलेगा। वंस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यू विल बी एलिजिबल फॉर लाइफ टाइम रेवेन्यू। अगर अभी आप यहाँ पर जो कि है वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप लाइफ टाइम तक जो कि है रेवेन्यू अर्न करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर जितनी आपकी स्टोरीज चलती होगी, जितना उसको व्यूज आता रहेगा लाइफ टाइम तक, तो आपकी इनकम उतनी बनती ही रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आप एक भी स्टोरी पब्लिश करते हैं और वो काफ़ी अच्छा जो कि रैंक कर जाता है या फिर उस पर व्यूज आ जाते हैं तो लाइफ टाइम तक ऑब्वियसली उस पर व्यूज आने वाले हैं और जितना व्यूज आएगा उतना आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर वर्क करने के लिए स्टेप्स दिया गया है कि क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले स्टेप वन ये है कि स्टार्ट योर सीरीज एंड कन्वर्ट ईच चैप्टर इनटू एन ऑडियो एपिसोड में जो कि है कन्वर्ट करना होता है यूजिंग आर इनबिल्ट राइटर टूल्स। यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, वो आप यूज करके जो कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप टू होता है कंप्लीट ऑडियो एपिसोड कन्वर्जन फॉर द फर्स्ट 15,000 words जो कि यहाँ पर आपको लिखना होगा ताकि आप ये राइटर बेनिफिट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो पाए क्योंकि वो रिव्यू करते हैं कि आपका राइटिंग स्पीड, आपका राइटिंग करेक्शन एंड कैसी है आपकी स्टोरीज, ये यहाँ पर रिव्यू करेंगे ताकि आप यहाँ पर वर्क कर सकें। नेक्स्ट होता है अपडेट चैप्टर डेली एंड रिसीव डेली बोनस यहाँ पर आपको मिलता रहता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जैसे कि देखिए हाउ टू रजिस्टर आपको दिया गया है, क्रिएट माय ऑडियो सीरीज कैसे आपको क्रिएट करना है, व्हाट आर दी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म एंड प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हम भी ले लेते हैं जैसे कि हाउ मेनी डेज डू आई नीड टू राइट वन एक्सेप्टेड टू प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए फॉर आर राइटर्स कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ क्वालिटी कंटेंट इज अ पैरामाउंट। तो यहाँ पर ये कहते हैं यहाँ पर वर्क करने के लिए दोस्तों आपको डेली में एक जो कि है स्टोरी अपलोड करनी ही पड़ेगी
और मंथली यहाँ पर आप 2 से 3 जो कि है ब्रेक ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। यस, फिर चाहे आप एक दिन में जो कि है स्टोरी 4-5 बैकअप करके रख लीजिए और वन बाय वन करके उसको पोस्ट करिए और फिर आप जो कि है लीव ले सकते हैं, बट यहाँ पर आप 2 से 3 दिन ही जो कि हॉलीडे ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको डेली बेसिस में एक स्टोरी तो अपलोड करनी ही है। ये म्यूचुअल बेनिफिट है, आपके लिए भी बेनिफिट होगा, जैसे कि यहाँ पर आप रोज स्टोरीज लिखेंगे तो आपको भी यहाँ पर काफी अच्छा जो कि एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और बेटर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, लोगों के रिव्यूज के थ्रू में। और उसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म को भी बेनिफिट ये है कि इनके पास नंबर ऑफ स्टोरीज भी बढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपकी इनकम भी अर्न होगी जितना आपको आप जो कि यहाँ पर स्टोरीज अपलोड करेंगे अपडेट करेंगे उस हिसाब से। अब यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। यहाँ पर देखिए स्टार्ट योर जर्नी का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे जहां पर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर जो कि एंटर करना होता है। सो यहाँ पर जो कि हम हमारा व्हाट्सएप नंबर एंटर कर लेते हैं यहाँ पर। तो व्हाट्सएप नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जो आपका व्हाट्सएप होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। सो यस, मेरे पास ओटीपी जो कि आ चुका है, तो क्लिक करेंगे एंड ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है आपको। यहाँ पर मैंने ओटीपी एंटर कर दिया है, अगर आपको ओटीपी ना रिसीव हो तो रीसेंड पे क्लिक करिए या फिर आप अपना नंबर भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो कि हो जाता है। एंड वंस आप यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको जो कि है ना ये वाला ऑडियो एक वीडियो मिल जाता है, जिसको कि मैं बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर इसको प्ले करते हैं, यहाँ से प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं, वेलकम न्यू एरा ऑफ स्टोरी टेलिंग, लेट योर इमेजिनेशन कम टू लाइफ, आर यू अ स्टोरी लवर, स्टार्ट राइटिंग योर ओन स्टोरी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट एंड रीच अ ग्लोबल ऑडियंस विथ योर स्टोरीज, लॉन्च योर ऑडियो बुक्स, ब्रिंग योर स्टोरी टू द लाइफ, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, AI प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए 80 मिलियन जो कि लिसनर्स इनके हैं और वो भी ग्लोबली। सो जॉइन अस इनक्रेडिबल जर्नी, ये आपको कह रहे हैं, वेर यू कैन बिकम अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस पॉकेट FM आपको देता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जो आपको मोटिवेट करता है ताकि आप इस प्लेटफॉर्म पे इजीली वर्क कर सके। अब दोस्तों जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो ये सारे जो कि ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जो कि फर्स्ट होम, सीरीज, बेनिफिट, इनकम और यहाँ पर एकेडमी आपको मिल जाता है। होम पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टोरी मैंने ऑलरेडी जो कि अपलोड कर रखी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सीरीज पे चले जाना है। सीरीज पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर 2 तरीके का स्टोरी लिख सकते हो, एक जो कि है डायरेक्ट स्टोरी लिख सकते हो जो कि पब्लिश कर सकते हो, या फिर आप सीरीज वाइज भी स्टोरीज लिख सकते हो। जैसे कि अभी के टाइम पे काफी सारे वेब सीरीज वगैरह आप देखते होंगे तो उसमें क्या होता है कि पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको काफी सारे पार्ट्स मिल जाते हैं जो कि आप अपने स्टोरी की क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर न्यू सीरीज पे क्लिक करेंगे तो न्यू सीरीज जो कि स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक स्टोरी क्रिएट कर रखी है, ठीक है, तो अगर मैं इसका कोई पार्ट 2 लेकर आना चाहती हूँ तो मैं इसका पार्ट 2 कर सकती हूँ। अगर मेरा फर्स्ट स्टोरी काफी ज्यादा वायरल है तो ऑब्वियसली मेरा सेकेंड स्टोरी भी उसमें से 80% लोग तो देखेंगे। तो इसी तरीके से आप जो कि है ना सीरीज भी जो कि क्रिएट कर सकते हो, या फिर एक जो कि आप इंडिविजुअल स्टोरीज भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको सीरीज पे चले जाना है, न्यू सीरीज पे क्लिक करना है। न्यू सीरीज पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है टाइटल ऑफ योर सीरीज, ठीक है, टाइटल क्या है, क्रिएट सीरीज एंड गो टू डिटेल्स आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए टाइटल कैन हैव मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स, तो स्टार्ट योर जर्नी आपको दिया जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम जाएंगे चैट जीपीटी पे और यहाँ पर क्या कहेंगे चैट जीपीटी को कि वो हमें सजेस्ट करे ऐसे टॉप 5 जो कि है स्टोरीज आइडिया। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, सजेस्ट टॉप स्टोरी आइडियाज लिखेंगे और यहाँ पर जो चैट जीपीटी है हमको टॉप 10 स्टोरी आइडियाज जो ट्रेंडिंग में है वो हमको दे देगा। अब यहाँ पर एज अ सेड कि आप अपने लैंग्वेज में भी यहाँ पर स्टोरी लिख सकते हो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में जो कि स्टोरीज लिख सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने 3 जो की है आइडियाज दिए हमें, जैसे कि AI एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, मेंटल हेल्थ इन द डिजिटल एज और सस्टेनेबल फैशन मोमेंट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमको जो की है टॉप 10 आइडियाज दे दिया है। अब इसमें से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका कोई यहाँ पर रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आप लव स्टोरी लिखना चाहते हो या फिर कोई स्टूडेंट के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो तो वो भी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखती हूँ, यहाँ पर
सजेस्ट टॉप 10 लव स्टोरी आइडियाज, इस तरीके से लिखते हैं। और काफी लोगों को इसी टॉपिक पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है आई फील लाइक, तो इसलिए मैं ये वाला टॉपिक सर्च कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चैट जीपीटी ने हमें काफी अच्छे जो की है आइडियाज देना स्टार्ट कर दिया है। और अगर मैं आपको आइडियाज दूँ तो आप जो गोस्ट स्टोरीज वगैरह होते हैं, हॉरर स्टोरीज होते हैं, वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो कि टॉप ट्रेंडिंग लव स्टोरीज है वो हमको दे दिया है। तो अभी इसमें से कोई भी एक स्टोरी हम जो कि पिक करते हैं, जैसे कि देखिए द लव एल्गोरिदम, द एक्सीडेंटल ब्राइड, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, बट आप इसको काम बहुत अच्छे से करना। अब ये जो कि हमने कॉपी किया है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करेंगे, अब क्या लिखेंगे नीचे की सजेस्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द फॉलोइंग स्टोरी। तो यहाँ पर ये जो कि टॉपिक को देखते हुए चैट जीपीटी हमको एक अच्छा सा जो कि टाइटल दे देगा, जिससे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दो टाइटल दिया है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेडली योर्स। तो ये जो कि कॉपी करते हैं, काफी अच्छा लग रहा है, इसको जो कि है कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये जो कि हमारा टॉपिक है, अब यहाँ पर क्रिएट सीरीज, सॉरी वी हैव सीरीज विथ सिमिलर नेम। ओके, तो ये नेम का ऑलरेडी उनके पास स्टोरी है, तो हम क्या करते हैं, ये दूसरा वाला जो कि है नेम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे पेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये जो कि एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्रिएट सीरीज एंड गो टू द डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो अब हम आ गए हैं सेकेंड स्टेप पे, जहाँ पर हमारा टाइटल स्टोरी तो है। अब ये स्टोरी से रिलेटेड सारे डिटेल्स हमको यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पर हमको कंटेस्ट लिखना है, कैटेगरी लिखना है, सब जूनियर क्या है, टैग्स क्या हम डालना चाहते हैं, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इन इंग्लिश आपको लिखना है, राइट अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दिस नोवेल। ये नोवेल का आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है। तो अब ये भी जो कि हम लेंगे हेल्प चैट जीपीटी का ही। तो यहाँ पर देखिए कंटेस्ट में, जैसे कि पॉकेट एफएम ओरिजिनल 2024, डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन एनी। तो यहाँ पर हम फिलहाल के लिए ये ले लेंगे। अगर आप काफी अच्छे राइटर हो तो आप जो कि फर्स्ट वाला जो कि ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे के स्टेप सिलेक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा स्टोरी है उसके वो पूरा पूरा यहाँ पर बिल्ड कर लेते हैं। तो ये स्टोरी पहले टॉपिक यहाँ पर लिखना है, एंड राइट स्टोरी 15,000 वर्ड्स, और इसको एंटर पे क्लिक करेंगे। जीपीटी ने ये सेम जो हमने अभी यहाँ पर कमांड किया है उसके ऊपर हमें काफी अच्छा जो कि स्टोरी यहाँ पर लिख करके दे दे रहा है, तो वो अभी हमको ले लेना है। वंस आपका जो कि स्टोरी लिख करके हो जाए ये सेम टॉपिक पे, उसके बाद आपको इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, ताकि आप इसके डिटेल समझ जाओ। अब ये डिटेल समझ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे के जो स्टेप्स है उसको क्लियर करना है, जैसे कि कैटेगरी क्या है। तो वो स्टोरी रीड करने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि स्टोरी का क्या कैटेगरी है, फैमिली ड्रामा है, हिस्टोरिकल है, फैंटेसी है, सस्पेंस थ्रिलर है। तो ये स्टोरी रीड करने के बाद मुझे लगता है कि ये जो कि है थोड़ी हिस्टोरिकल है, तो वो मैं यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद जूनियर में भी अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, तो अगेन हिस्टोरिकल आ जाएगा। टैग्स में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि वो स्टोरी में क्या क्या है, एक्शन है, और इसके बाद बैटल है, और क्या है, ड्रामा है, एंड ऑब्वियसली हिस्ट्री है, इसके बाद क्या है, किंग है, क्वीन है, लीजेंड्री है। आपको टैग्स वगैरह सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपकी स्टोरी है ना काफी अच्छी रैंक हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टैग्स कुछ यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रही हूँ, तो आप जैसे ये स्टोरी को रीड करोगे ना, तो आपको इजीली जो कि है टैग समझ आ जाएगा कि आपको क्या क्या देना है। अब क्या कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन इन इंग्लिश में आपको लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में स्टोरी लिख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो देखिए मैंने लिख लिया है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन अबाउट स्टोरी। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो कि चैट जीपीटी हमको इजीली जो स्टोरी है उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देगा, ताकि जो कि हम वहाँ पर पेस्ट कर सके इसी सेम चीज को। तो ये देखिए कॉपी करेंगे, और आप चाहो तो एक बार चेक कर लीजिए, और यहाँ पर आने के बाद ये डिस्क्रिप्शन को आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, ताकि कोई भी आपका स्टोरी पढ़े उसके पहले वो डिस्क्रिप्शन पढ़ ले। तो ये देखिए जो भी चीजें हैं उसको कट कर दीजिए जिसका जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टोरी का डिस्क्रिप्शन भी हमने सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। अब सीरीज स्टेट क्या है, रनिंग है या कंप्लीटेड है, तो ये सीरीज को मैं कंप्लीटेड ही रखूंगी। अगर आप इसको और सीरीज इसमें कुछ करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
कंटेंट डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर दे देना है, जैसे कि यू आर दी सोल ओनर ऑफ दी कॉपीराइट, तो यहाँ पर येस पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर डायरेक्ट स्टोरी कॉपी करने से पहले एक और स्टेप है, वो देखकर ही आप कॉपी करना, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्लिक कर लेना है, क्योंकि अगर आप किसी का भी कुछ भी कॉपी करेंगे तो आपको वो चीज यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद सेकेंड चीज है कि द बुक डज नॉट कंटेन एनी सेक्सुअल कंटेंट फीचरिंग कैरेक्टर अंडर द एज ऑफ 18। सो अगर आपकी स्टोरी कोई अंडर एज 18 कोई सुनता है, तो कोई इस तरीके का कंटेंट नहीं है आपके कंटेंट में, तो वो आपको यहाँ पर चूज करना है। अगर वो चीज होगा तो ये क्या करेंगे कि अबाउ 18 वालों को ही आपकी स्टोरीज जो की है यहाँ पर पब्लिश करेंगे और उन तक ही ये स्टोरीज को पहुंचाएंगी। तो यहाँ पर आपको वो भी टिक कर लेना है, क्योंकि हमारे स्टोरीज में ऐसे कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड गो टू दी फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक करना है। आ जाएंगे हम सेकेंड स्टेप पे, जहाँ पर एंटर टाइटल दिया हुआ है, एंटर टाइटल हियर। तो ये जो स्टोरी का हमारा टाइटल है उसको जो कि हम कॉपी करेंगे, तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे। तो ऊपर मैंने स्टोरी का टाइटल लिख लिया और यहाँ पर आपको जो कि स्टोरी लिखनी है, तो स्टोरी जो कि हमने चैट जीपीटी से यहाँ पर लिखवा ली है, बट आपको ये इसी तरीके से सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ से कॉपी करना है, उसके बाद आपको जाना है एक प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है क्विल बोर्ड। क्विल बोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर पैराफ्रेजर का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है और जो भी हमने स्टोरी कॉपी की है यहाँ पर आके उसको पेस्ट करना है, जो भी हमने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो भी कंटेंट था वो पूरा का पूरा आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ये पैराफ्रेज का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करके पैराफ्रेज कर लेना है। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको कॉपीराइट का इश्यू है वो नहीं आएगा, क्योंकि स्टोरीज तो सेम है बट जो इसके वर्ड्स है वो अल्टरनेट हो जाएंगे, जिससे कि आप इस स्टोरी को यूज कर सकते हैं एंड ये स्टोरी बन जाएगा प्लेगरिज्म फ्री, ठीक है? तो ये जो कि क्विलबोर्ड वेबसाइट है ये पेड है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, बट जो यहाँ पर हमारा काम है वो इजीली हो जाएगा अनपेड वाले ऑप्शन में ही जो कि काम हो जाएगा, तो आपको पेड वाले सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभार एक और चीज होता है कि यहाँ पर आप पूरा का पूरा एक साथ कॉपी नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पैराग्राफ जो कि है पैराफ्रेज करके और फिर यहाँ पर जाके ये सेम प्लेटफॉर्म पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर जितना भी हमने कॉपी किया है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से देखिए मैंने स्टोरी सारा का सारा पेस्ट कर दिया है। अब इसमें आप कुछ चाहो एडिट करना तो वो भी एडिट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए हैशटैग है, इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहो वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हाईलाइट करना चाहो तो वह हाईलाइट कर सकते हो। इसका इस तरीके से कुछ बोल्ड करना चाहो तो वो आप यहाँ पर से कुछ ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना चाहो तो आप वो कर सकते हो, जिससे कि आपकी स्टोरी और काफी अच्छी लगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कि पैराफ्रेज करके स्टोरी लिख ली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर जाके इसको पब्लिश करना है। पब्लिश में क्लिक करने के बाद देखिए प्लीज सिलेक्ट वॉइस ऑफ योर सीरीज, तो कैसा वॉइस चाहिए आपको आपके सीरीज का वो आप यहाँ पर से ब्राउज कर सकते हो, जैसे कि ड्रामेटिक होना चाहिए, हिस्टोरिक होना चाहिए या थ्रिल्ड होना चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेरे लिए सजेस्ट हो रहा है वो Life isn't about finding yourself. मेरे लिए सजेस्ट हो रहा है वो कुछ इस तरीके का है, तो कंफर्म वॉइस एंड गो टू म्यूजिक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई एक म्यूजिक आपको सिलेक्ट कर लेनी है, तो आप वन बाय वन जो कि सिलेक्ट कर सकते हो जो कि बैकग्राउंड में म्यूजिक आएगा, ठीक है? ये सारे जो म्यूजिक है वो आपकी स्टोरी जब रीड की जाएगी तो उसके बैकग्राउंड में चलेगा, तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पर से वन बाय वन सिलेक्ट करिए और फिर आपको क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए वंस म्यूजिक सिलेक्टेड कान भी चेंज, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा स्टोरी जो कि पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा स्टोरी है ये पब्लिश हो चुका है और यहाँ पर जो व्यूज होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको व्यूज दिखेंगे और इसके भी पहले ये स्टोरी जो कि है रिव्यू होगा, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म के द्वारा कि यस ये स्टोरी पब्लिश की जानी चाहिए या नहीं। तो कुछ भी इसमें एरर वगैरह होगा तो आपको यहीं पर पता लग जाएगा यही डैशबोर्ड पे कि किस तरीके का चेंजेस आपको करना है, तो वो चेंजेस करके आप फिर से इसको री अपलोड करिए। तो अभी देखिए ये जो कि अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्राउज हो रहा है, विच मीन्स कि ये अपलोड ही हो रहा है एंड रिव्यू होने के बाद ये अपलोड हो जाएगा एंड पब्लिश हो जाएगा। देन आपको यहाँ से व्यूज देखने मिलेंगे कि कितने लोगों ने आपकी स्टोरीज देखी है और सुनी है। अलावा यहाँ पर आप इनकम देख पाएंगे, तो इनकम पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए नो बुक्स आर एलिजिबल फॉर इनकम। सो जब मेरी कोई भी बुक एलिजिबल हो जाएगी इनकम के लिए तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेगा
एनालिटिकल्स भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, तो एनालिटिक्स देख सकते हो यहाँ पर कि कौन सी मेरी बुक रैंक कर रही है, कितने व्यूज आए हैं, अकॉर्डिंगली मुझे कितना अर्निंग हुआ है, वो सभी चीजें आपको यहाँ पर एनालिटिक्स में देखने मिलेगी। अब सीरीज पे जाते हैं, सीरीज पे जाने के बाद ये देखिए, ये जो कि है मेरा स्टोरी पब्लिश हो चुका है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माय स्टोरी एक काफी अच्छा कवर फोटो भी आ चुका है। अगर आप चाहो तो आप अपना कवर फोटो खुद भी एडिट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो वो आप करना चाहते हो तो आप कैनवा का यूज कर सकते हो, जिससे कि आप काफी अच्छा कवर फोटो बना सकते हो। तो मेरी स्टोरी जो की है वो पब्लिश हो चुकी है, एंड इस पे कितने व्यूज आएंगे एंड डिटेल्स वो सभी मुझे इजिली पता लगता रहेगा। सो या आई जस्ट होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी अपडेट्स हम आपके लिए डेली बेसिस में लेकर आते रहते हैं। सो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।